दोस्तों रक्षक ऐप पर अग्निवीर नेवी एमआर एसएसआर एग्जामिनेशन स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टॉप मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे आप जाकर के ले सकते हैं। इसे लेने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद साइनअप कीजिए। साइनअप करने के बाद सबसे पहले डेमो मॉक लगाइए। एसएसआर और एमआर दोनों के लिए डेमो मॉक अवेलेबल है। उसे लगाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, आप कन्विंस होते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस 349 रुपीज है, लेकिन आप मेरा कोड ABSTUDY50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 175 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसे लेने के बाद आप मुझे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 7654743543 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना स्क्रीनशॉट और मैं आपको फ्री मास्टर PDF भी दे दूंगा, जिसमें कि 70-80% सिलेबस कवर हो गया है। तो जाइए, फायदा उठाइए और स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कीजिए। आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। अग्निवीर नेवी एमआर एसएसआर जीएस और जीके का मॉक हम लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट नंबर 2 है ये, जनरल साइंस का, और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टोटल क्वेश्चंस 25 हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 25 यहां पर हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है। नेगेटिव मार्किंग आपको खुद से देखना है, जैसे आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे पहले आप खुद से देख लेना आपका कितना सही हो रहा है, उसके बाद मैं जो बता रहा हूं आंसर, जैसे पहला क्वेश्चन होगा तो उसमें पहले ऑप्शन अपना सोच लेना, उसके बाद देखना मैं क्या बता रहा हूं। ऐसे ही जितने भी आपके सही होते हैं और जितने गलत होते हैं, सपोज करो आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा, बिकॉज 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ओके, इस तरीके से आप लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना होता है, आप कहां से हो। ओके, एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, वहां पर बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंडियन नेवी एमआर एसएसआर की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is the main factor due to which food gets cooked quickly in a pressure cooker? निम्न में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण भोजन जल्दी ही प्रेशर कुकर में पक जाता है? आयतन में वृद्धि होना, दाब में वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होना और दाब में कमी होना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब में वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है प्रेशर, और इस वजह से भोजन जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। याद रखना, यानी कि इंक्रीज हो जाता है प्रेशर इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? यानी कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले त्वरण गुरुत्वाकर्षण के गुण के कारण किसी पिंड पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? वेग, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, भार और द्रव्यमान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भार बोला जाता है, वेट बोला जाता है। जैसे कोई भी पिंड है, कार्य करने वाला त्वरण गुरुत्वाकर्षण के गुण के कारण जो पिंड पर लगाया गया बल होता है वो वेट होता है, भार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड? सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गलन, क्वथन, संलयन और उर्ध्वपातन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सब्लिमेशन बोला जाता है, जिसमें कि सीधे ठोस से गैस में अवस्था परिवर्तन हो जाता है किसी भी पदार्थ का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कर्पूर है। कर्पूर के बारे में तो आपने सुना होगा, और वो जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। वो ठोस रूप में होता है लेकिन वो सीधे गैस में चेंज हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है, कैम्फोर भी जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? कार, हवाई जहाज, उसके बाद है पनडुब्बियों के लिए, उसके बाद है ट्रक के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पनडुब्बियां जो सबमरीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसके बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्हें बनाया जाता है, उनका डिजाइन तैयार करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी, चाल, ऊर्जा और वजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूरी को मापता है, डिस्टेंस को मापता है एक प्रकाश वर्ष, यानी ये लाइट ईयर मेजर्स डिस्टेंस, ठीक है, दूरी का मात्रक है, ये आप लोग ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्निफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप और स्टेथोस्कोप।
यहां पर इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देख लो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी कि माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिसे हम बोलते हैं, कोई भी छोटी से छोटी वस्तु होती है उसको बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वर्क डिड आइंस्टाइन गेट द नोबेल प्राइज, आइंस्टाइन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, चुंबकत्व का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए, सापेक्षता के नियम के लिए और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को जो है वो दिया गया था नोबेल पुरस्कार। आइंस्टाइन गॉट द नोबेल अवार्ड फॉर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रख लेना। एक और चीज आपको बता देता हूं यहां पर कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सभी एग्जाम्स में कभी ना कभी नेवी एमआर और एसएसआर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को अच्छे से आप याद करके अगर आप लिख सको तो लिख के रख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, सोनार इज यूज्ड बाय हूम, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा और नौ संचालकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी नौ संचालक जो होते हैं, नेविगेटर्स जो होते हैं, उनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। सोनार इज यूज्ड बाय नौ संचालक यानी नेविगेटर्स। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी लोगों के पास पहुंच सके। व्हाई डज द सन अपीयर रेड एट सनसेट, यानी सूर्यास्त होते समय, और सूर्योदय के समय भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्योदय के समय भी सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, परावर्तन के कारण ड्यू टू रिफ्लेक्शन, परकिरणन के कारण ड्यू टू स्कैटरिंग, अपवर्तन के कारण ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और विवर्तन के कारण यानी ड्यू टू डिफ्रैक्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परकिरणन हो जाता है प्रकाश का और उसके कारण जो है स्कैटरिंग के कारण ही लाल दिखाई देता है सूर्यास्त के समय, सूर्य ज्यादा ही लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं, पीला लाल और हरा, नीला लाल और हरा, बैंगनी लाल और पीला, और पीला बैंगनी और हरा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला लाल और हरा, यानी ब्लू रेड एंड ग्रीन, दीज आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं ये तीनों, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन नेवी एम आर एस एस आर की तैयारी करते टाइम मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही लगाना ये मैं बोलूंगा, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट में भी अगर आप रक्षक ऐप से मॉक टेस्ट लेते हैं, रक्षक ऐप आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, रक्षक ऐप से अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपको बहुत ही बेस्ट तरीके का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही है रक्षक ऐप। यहां पर अगर रक्षक ऐप से आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, वहां पर ऑल इंडिया लेवल पर आप अपना रैंक भी चेक कर पाएंगे। न्यू ऐप है, इंडियन नेवी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करा गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, आप जरूर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। अगर आप लेना चाहते हैं तो 349 रुपीज इसकी प्राइस है, एमआर के लिए मॉक टेस्ट आ गया है, 20 मॉक टेस्ट है उसमें, और अगर आप वो लेते हैं और मेरा कोड ABSTUDY50 आप यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और वो मॉक टेस्ट 175 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाकर चेक कीजिए, पहले डेमो मॉक लगाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लीजिए, वहां पर क्विजेस और बाकी सब कुछ भी मिलने वाला है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच लेंस इज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल अवतल लेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करा जाता है, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं उनके चश्मे में ये लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, यानी कि जो साइड मिरर लगी होती है हमारे गाड़ी में वो उसके अंदर कौन सा मिरर होता है ये हमें बताना है, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करा जाता है वाहनों में पीछे की तरफ देखने के लिए, बैक साइड देखने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज यूज्ड टू मेक रेजिस्टर्स, यानी कि अवरोधक जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक और नाइक्रोम। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है अवरोधकों को बनाने के लिए, रेजिस्टर्स को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड द ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की, हरगोविंद खुराना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, श्रीनिवास रामानुजम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर भी इनको बोला जाता है। ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने
इसको डिस्कवर करा था ब्लैक होल के सिद्धांत को। ब्लैक होल बेसिकली ब्रह्मांड में एक प्लेस है जहां पर कोई भी चीज काम नहीं करती, मतलब फिजिक्स भी काम नहीं करती है, फिजिक्स का कोई भी लॉ वहां पर काम नहीं करता, वही है ब्लैक होल। और इसको ढूंढा था, डिस्कवर करा था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने। ये आप लोग याद रखिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी पहले भारतीय हैं जिनको की एस्ट्रोफिजिक्स में, किसमें, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनेमो, डायनेमो क्या कार्य करता है, मैकेनिकल ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र है, निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, जैसे मैकेनिकल यानी मैकेनिक, तो डायनेमो क्या है, एक मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, -295 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस एंड -255 डिग्री सेल्सियस। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इससे निम्न नहीं होता है, इतना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज एनर्जी क्रिएटेड ऑन द सन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, यूरेनियम का विखंडन के द्वारा, हीलियम का संलयन के द्वारा, हाइड्रोजन का संलयन के द्वारा, और उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का समन्वय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन। यहां देखो, हीलियम और हाइड्रोजन डिफरेंस है ना, तो कहीं ये इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये मत टिक कर देना जल्दी जल्दी में, ध्यान से देखकर। हाइड्रोजन का जो संलयन होता है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसके द्वारा एनर्जी क्रिएट करी जाती है सन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैटरीज, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतर्क्रिया, यानी एसिड बेस्ड इंटरेक्शन जो होती है, अपोहन डायलिसिस होती है, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, और उपाचयन यानी कैटाबोलिज्म। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होती है बैटरी के प्रचालन की मूल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टर, प्रेरक का मात्रक क्या है, ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर और हेनरी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी, हेनरी जो है ये यूनिट है इंडक्टर का, प्रेरक का। क्वेश्चन नंबर 20, टियर गैस कॉन्टेंस, आंसू गैस में कौन सी गैस शामिल होती है, दंगों के समय ये यूज करती है आमतौर पर पुलिस फोर्स, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन इसके अंदर होती है, आंसू गैस में शामिल होती है, और टियर गैस जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने बताया, पुलिस फोर्स के द्वारा, ठीक है, जिससे आंसू आने लगती है हमारे आंखों से, ये बहुत ज्यादा सहन नहीं हो पाती आंखों को। क्वेश्चन नंबर 21, 3D पिक्चर्स आर टेकन बाय हूम, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक और रेडियोग्राफी। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, होलोग्राफी बोलते हैं, जो 3D पिक्चर्स लेते हैं ना वो होलोग्राफी प्रक्रिया के द्वारा ही लिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, जो हमारी तारे हैं, आकाश गंगा है, उनका व्यास मापने के लिए प्रमुख उपकरण क्या है, फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर और इंटरफेरोमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरफेरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। इंटरफेरोमीटर का यूज करा जाता है तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए, यानी उनकी जो डायमीटर होती है वो मापने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट कलर्स इन द थीन लेदर ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच फेमोनेनन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस इसका ही परिणाम है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। 24, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, परकिंडन, व्यतिकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, रेड लाइट इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल्स, बिकॉज जो लाल लाइट होती है उसको खतरे के संकेतों के लिए यूज करते हैं, क्यों,
इसका पर्टिनेंट सबसे कम होता है या आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है हवा द्वारा, इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका पर्टिनेंट सबसे कम होता है इसलिए इसे यूज करा जाता है, क्योंकि इसको इसका जो स्कैटरिंग है सबसे कम होता है इसलिए यूज करा जाता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया ऑप्शन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 25 क्वेश्चंस थे हमारे आज के साइंस के, होप आपको अच्छी लग रही होगी ये सीरीज। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाकर चेकआउट कर लो। आपको बस जिस तरीके से मैं करा रहा हूं इन्हें ही फॉलो करने की नीड है, आराम से आप क्लियर कर लोगे। बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो। देखो ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद अभिषेक, ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप है स्टडी विद अभिषेक, और ये इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ रक्षक ऐप पर एक बार जाकर जरूर चेक करो मॉक टेस्ट को, मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा है ये आप लोगों के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके ऑल कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।